तो दोस्तों ये मेरे पास रेडमी K20 Pro है। रेडमी K20 Pro मैंने एक्चुअल मेरे लिए लिया हूँ, और ये फ़ोन मैं पहले ही लेना चाहता था, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा हाई था उसी टाइम। तो अभी बिग बिलियन डे में ये मेरे को मिल गया 22,000 में। 6 GB 128 GB वर्सन है। तो ये फ़ोन एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। मैं पोको ये फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो पोको ये फ़ोन को अपग्रेड करते हुए ये फ़ोन ले रहा हूँ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 जो हाईएस्ट लेवल प्रोसेसर है, और यह सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास का 5 प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रंट में, बैक में, और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। 20 MP फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, 48 MP रियर ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, फास्ट चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है, और इसमें आपको जो है 4000 mAh का बैटरी यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। तो मैं नवीन मारा चैनल टेक्निकल MD। तो चलिए देख लेते रेडमी K20 Pro का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये फाइनली मेरे पास रेडमी K20 Pro स्नैपड्रैगन T855 जो हाईएस्ट प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है वो है। और पीछे अगर देखिए 855 प्रोसेसर का हाईलाइट किया गया है, 48 MP AI ट्रिपल कैमरा हाईलाइट किया गया है, 20 MP पॉप अप सेल्फी कैमरा भी हाईलाइट कर दिया है, और एमोलेड डिस्प्ले विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 बैक में या फ्रंट में, दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 4000 mAh की बैटरी, 6.39 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, और 27 वाट फास्ट चार्ज यहाँ पे सपोर्ट करेगा, यह भी यहाँ पे लिखा गया है। तो बॉक्स को करते हैं हम ओपन, और ओपन करने के बाद ही आपको छोटा सा वाइट बॉक्स मिलता है रेडमी की तरफ से जैसा है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सिम इजेक्टेड टूल मिलेगा, और यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल के साथ एक कवर यहाँ पर दिया गया है। तो इतना प्राइस में फ़ोन है तो इसीलिए कवर उन्होंने दे ही दिया है। तो कवर का अगर हम बात करें यहाँ पर, बहुत ही हार्ड कवर है एक्चुअल, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर है, और ब्लैक कलर का है। तो इसको हम करते हैं साइड, और फ़ोन यह है फ़ोन को है निकाल दिया, और यह है आपका ब्लू कलर में मैंने लिया था, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया फील रहा है। यहाँ पर ब्लैक है, ब्लू है, और यहाँ पे हम फ़ोन को कर देते हैं ऑन, और स्नैपर को हम हटा देते हैं। तो फ़ोन हो गया ऑन, रेडमी यहाँ पर लिखा आ गया। इसको हम करते हैं साइड, और बॉक्स में क्या है देख लेते हैं। चार्जर जो है यहाँ पर 18 वाट का चार्जर दिया गया है, जो 3 एम्पियर 9 वोल्ट और 2 एम्पियर 12 वोल्ट यहाँ पर लिखा है, जो फास्ट चार्ज यहाँ पर होगा ये चीज़, और सी टाइप केबल यहाँ पे दिया गया है। तो बॉक्स के साइड करते हैं, और मोबाइल को हम चेक कर लेते हैं एक बार अब फिजिकली। तो इस मोबाइल में आपको बढ़िया चीज़ है, 6.39 इंच का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड है, और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, और पीछे में आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन लगा हुआ है, और ये आपको 3D ग्लास बॉडी है। जो कलर है इसका एक बहुत ही बढ़िया आया है, और आपको हाथ में एक प्रीमियम सा फील लगेगा यहाँ पर। तो फ्रंट के दिख में अगर देखें कुछ भी नहीं है, बेजल बहुत ही कम यहाँ पर दिया है, और फुल स्क्रीन दिया गया है क्योंकि कैमरा यहाँ पे पॉपअप है। तो 6.39 इंच डिस्प्ले साइज है। पीछे अगर हम देखें तो 48 MP का कैमरा यहाँ पर दिया गया है, और ट्रिपल कैमरे के साथ ये सेटअप दिया गया है, और डुअल फ्लैश भी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर कुछ साइड वैल्यू मेंशन किया गया है, जो आपको हेड में है 1.030 और बॉडी में है 0.720। और अगर राइट तरफ यहाँ पर देखें वॉल्यूम रखकर यहाँ पे है, और पावर बटन यहाँ पर दिया गया है, जो कलर एक अलग सा किया गया है यहाँ पर। और लेफ्ट की तरफ यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ आपको नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा 3.5 mm जाए, और यहाँ पे आपको नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। इसमें भी रिमोट सेंसर का कोई दिया नहीं गया, रिमोट सेंसर यहाँ पर भी नहीं है। और नीचे अगर देखें यहाँ पर सिम ट्रे यहाँ पर लगा दिया गया है नीचे, उसके बाद सी टाइप पोर्ट यहाँ पर है, और माइक है, और स्पीकर ग्रिल यहाँ पर दिया गया है। तो फ़ोन हो गया ऑन, और ऑन होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे महसूस होगा। और एक बार हम पॉपअप कैमरे को दिखा देते पहले, जो कैमरे का सेटअप में जाके फ्रंट करेंगे यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, और यहाँ पे एक लाइट भी आता है, देख लीजिए। देखिए ओपन ऑन होने के टाइम एक ब्लू लाइट आ रहा है, और ऑफ होने के टाइम एक ब्लू लाइट आ रहा है यहाँ पर। तो जब आप कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगा, तो नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम अबाउट फोन में यहाँ पे जाए, तो अबाउट फोन में जाने के बाद आपको अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है, सिस्टम अपडेट। मैंने वाईफाई में कनेक्ट कर लिया था, तो बाद में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 Pi 100 चल रहा है, और 10 बहुत ही जल्द इसमें मिलने वाला है, और MIUI 10 चल रहा है, जो कि बहुत ही जल्द MIUI 11 यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर इसमें अंतुतु बेंचमार्क स्कोर का हम चेक करें, तो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर में सबसे हाईएस्ट आता है 855 का, जितने सारे मोबाइल है वन प्लस को भी है पीछे छोड़ दिया, 3,62,630 इसका जो है बेंचमार्क स्कोर है। और इसमें जितना सारे सेंसर अवेलेबल है मार्केट में, सारे सेंसर आपको मिल जाएगा,
और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस प्राइस में तो ऐसा बनता ही है। तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट कितना फास्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो हम ऐड कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट और फेस डेटा ऐड कर लिया। तो फिंगरप्रिंट देखिए यहाँ पर एक लाइट आ चुका है, तो यहाँ पर अगर हम हाथ लगाएंगे तो बहुत ही फास्ट है यार, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यहाँ पर बहुत ही फास्ट दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर फेस अनलॉक के बाद यहाँ पर करें तो देखिए अब ये भी फास्ट यहाँ पर है, ऐसा क्या क्या साथ साथ ओपन हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे फास्ट है। हालांकि पॉपअप कैमरा है फिर भी यहाँ पे फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कैमरा चेक करें तो इसका मेन जो हाईलाइट है वो है कैमरा को, कैमरा यहाँ पे चेक करें ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। शॉर्ट देखिए स्लो मोशन, स्लो मोशन यहाँ पे 960 FPS, 120 FPS, 240 FPS का अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट वीडियो में जाए, शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है यहाँ पर, और वीडियो का जो क्वालिटी है यहाँ पर हम दिखाते हैं कि अल्ट्रा HD 4K कर सकते हो 30 FPS से, अल्ट्रा HD 4K 60 FPS से, फुल HD 1080p 30 FPS से, फुल HD 1080p 60 FPS से, और HD 720p 30 FPS आप कर सकते हो। और यहाँ पे वाइड वाला ऑप्शन में आप वीडियो भी शूट कर सकते हो और जूम भी कर सकते हो, लेकिन फ़ोटो भी आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड वाइड मोड पे यहाँ पे अवेलेबल है। और 48 MP का यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, जिसमें 48 MP लिखा आ जाएगा, पोर्ट्रेट है, नाइट है, पैनोरामा है, पैरा प्रो है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर सैंपल दे दिया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आ रहा है। आप देख के मेरे को कमेंट पर बताओ कैसा लगा आपको। और इसमें जितना सारे गेम है वो गेम का तो मज़ा आपका आएगा ही, क्योंकि 855 है बॉस और 6 GB रैम, 128 GB वाला वेरियंट है ये। तो यहाँ पर हम पबजी एक बार ऑन करते हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, तो इसमें हाई सेटिंग क्या है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स का सेटिंग्स है, तो ग्राफिक्स का जो हाइट सेटिंग है हम सेटिंग्स में एक बार जाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो HDR, अल्ट्रा, एक्सट्रीम सभी खेल पाओगे, और अल्ट्रा HD मोड भी कमिंग सून लिखा है, तो अल्ट्रा HD कमिंग सून लिखा है। HDR और एक्सट्रीम में आप यहाँ पे पबजी खेल सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। तो अल्ट्रा HD भी आएगा, वो थोड़ा सा बाद में आएगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका ऑन, और ऑन होने के बाद जो ग्राफिक्स का क्वालिटी है वो है आपका बहुत ही बड़ा यहाँ पर। तो 1 घंटा हम पबजी इसमें टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो इसके लिए बने रहिए, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको आएगा यहाँ पर, ओह बहुत ही बढ़िया। तो इसको हम बंद करते हैं अभी, और इसका जो वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी एक बार हम चेक कर लेते हैं यूट्यूब में कैसा चल रहा है। तो ये है वीडियो, और इसका जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है 1080x60, तो क्वालिटी तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, इसमें कुछ बोलने का बात है ही नहीं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। मुसाफिर मैं तेरी तो यहाँ पे जो साउंड का स्पीकर दिया गया है वो बहुत ही खास स्पीकर है यहाँ पर, और साउंड साउंड का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ है, 855 प्रोसेसर है, डिस्प्ले क्वालिटी अब मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका जो सबसे बेहतर चीज़ लगा ये जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है, इसमें LED लाइट दिया है ब्लू कलर, जो कि नोटिफिकेशन के टाइम भी आएगा, पॉपअप कैमरा उठने के टाइम भी आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत बढ़िया किया गया है, डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, फेस अनलॉक भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस फ़ोन का जितना भी बात करें उतने ही कम है, कलर कम्बिनेशन भी मेरे को अच्छा लगा। तो फ़ोन तो बहुत ही बढ़िया है, कैमरा क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आपका बजट 22,000 के ऊपर है और एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हो, 855 प्रोसेसर जिसमें है, तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो दोस्तों यही था रेडमी K20 Pro का एक अनबॉक्सिंग और वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज लगाता हूँ। दोस्तों इतना ही।